Hello everyone and welcome to our channel Vika Savans Academy. In this video we are going to start daily current affairs of 29th of June 2022. But before starting this session, if you have not subscribed our channel, then subscribe it and press the bell icon for further notifications. So let's start with first news. Golden Achievement Award by International Tennis Federation. So ये जो इंटरनेशनल टेनिस फेडरेशन ने गोल्डन अचीवमेंट अवार्ड दिया है हमारे आउटस्टैंडिंग टेनिस प्लेयर मतलब इंडियन टेनिस प्लेयर प्रोमोटर एंड ह्यूमैनिटेरियन दैट इज विजय अमृतराज जी को ये गोल्डन अचीवमेंट अवार्ड दिया गया है। तो इन्हें ये अवार्ड दिया गया है फॉर हिज कॉन्ट्रीब्यूशन इन टेनिस। तो ये पहले ऐसे रेसिपिएंट है, इंडियन रेसिपिएंट है कि जिन्होंने ये ऑनर रिसीव किया है। तो इंक्लूडिंग ब्रेंट रॉबिन ऑफ ऑस्ट्रेलिया, एलिची कैवेदी ऑफ जापान, पीजी कैलिंटर ऑफ यूनाइटेड स्टेट्स। तो इनमें से ये फर्स्ट इंडियन है जिन्होंने ये अवार्ड रिसीव किया। देन जम्मू एंड कश्मीर नेक्स्ट ईयर मतलब 2023 में G20 समिट कंडक्ट करने वाले हैं। तो G20 समिट ये इस बार जम्मू एंड कश्मीर होस्ट करने वाले, तो जो 2023 की है वो वर्जन, लेकिन ये December 1, 2022 से ही शुरू हो जाएगा जो 23 में भी कंटिन्यू रहेगा। इसलिए यहाँ पर बोला गया है 2023 की G20 समिट। तो G20 समिट में होता ये है कि कई सारी कंट्रीज़ जो है ऑल ओवर द वर्ल्ड से वो एक साथ आती है और इकोनॉमिक ग्रोथ से रिलेटेड जितना भी कंट्रीब्यूशन दे सके, चाहे वो इन टर्म्स ऑफ फाइनेंशियल हो या कोई डिस्कशन हो या चैलेंजेस ओवरकम करने हो, इस इकोनॉमिक ग्रोथ को बढ़ाने के लिए ये G20 समिट कंडक्ट की जाती है। तो इधर G20 समिट में जितनी भी कंट्रीज़ आकर डिस्कशन करते हैं, तो ये सारी कंट्रीज़ जो है G20 समिट की, ये पूरे वर्ल्ड में अराउंड 80% इकोनॉमिक ग्रोथ कॉन्ट्रीब्यूट करती है। तो इसके लिए जो जम्मू कश्मीर इस बार होस्ट करने वाले हैं, तो इसके लिए 5 मेंबर हाई लेवल कमेटी अपॉइंट की गई है, सो दैट G20 जो समिट है ये एक स्पेशल कोऑर्डिनेशन के साथ कंडक्ट हो सके। तो एज़ पर द अमेंडमेंट मतलब ये जो अमेंडमेंट किया है मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स ने, जो कि ये फॉरेन समिट है, कई सारी कंट्रीज़ आने वाली है फॉरेन कंट्रीज़, तो इसीलिए जब भी कोई फॉरेन कंट्री का कोई इशू संभालना होता है तो वो हमेशा मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स संभालती है, वो इनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी रहती है। तो इसमें भी बहुत सारी फॉरेन कंट्रीज़ आने वाली है, तो ऑब्वियसली मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स की ये रिस्पॉन्सिबिलिटी रहेगी। तो ये December 1, 2022 से कंडक्ट की जाएगी एंड कन्वेन द G20 लीडर फर्स्ट G20 लीडर समिट इन 23 मतलब 23 में भी ये कंटिन्यू रहेगी। देन सिंगल यूज प्लास्टिक बैन टू बी इम्पोज फ्रॉम July 1, 2022। तो हमारे जो मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज के मिनिस्टर हैं, इन्होंने ये सिंगल यूज प्लास्टिक बैन जो है इम्प्लीमेंटेशन करने के लिए बोला। तो ये इम्प्लीमेंट होगा फ्रॉम July 1, 2022। तो जो सिंगल यूज प्लास्टिक आइटम्स होते हैं, इसका मतलब ये होता है कि सिंगल यूज प्लास्टिक्स आर दोज़ प्लास्टिक आइटम्स दैट आर यूज ओनली वंस एंड डिस्पोज। मतलब ऐसी कई सारी चीज़ें होती है जैसे कि हम प्लास्टिक में खाना लाते हैं कई बार, तो एक बार उसे यूज़ करो और फेंक दो, ऐसी वाली जो चीज़ें मतलब यूज़ एंड थ्रो वाली जो चीज़ें हैं, इसे इसके ऊपर बैन लगाया गया है। क्योंकि जैसे आपको पता होगा कि प्लास्टिक अगर हम उसको डिस्पोज कर देते हैं वो जल्दी डिस्पोज नहीं होता, डिकम्पोज नहीं होता है वो, तो इसीलिए वो एनवायरमेंट के लिए बहुत ज़्यादा हार्मफुल हो सकता है। तो इसीलिए ये सिंगल यूज प्लास्टिक का बैन किया जाएगा फ्रॉम July 1। तो इसमें टेरेस्ट्रियल हार्मफुल इफेक्ट्स भी हो सकते हैं, एक्वेटिक इकोसिस्टम पे भी हार्मफुल इफेक्ट्स हो सकते हैं। अब जो टेरेस्ट्रियल होता है, टेरेस्ट्रियल इकोसिस्टम का मतलब होता है जो हमारे ज़मीन पर रहते हो एनिमल्स, उसके उसे बोला जाता है टेरेस्ट्रियल। और एक्वेटिक का मतलब होता है जो एनिमल पानी के ऊपर तैरते हो या फिर अंडर वाटर रहते हो, मतलब अंडर वाटर जो रहते हैं हम उसे कहते हैं मराइन लाइफ। मराइन लाइफ मतलब अंडर वाटर एनिमल्स, मतलब अंडर वाटर जो होते हैं
इकोसिस्टम दैट इज़ फिश, तो उसे हम कहते हैं मराइन लाइफ, और इसे कहते हैं एक्वेटिक। जो डक होते हैं जो पानी के ऊपर तैरते हैं हम उसे बोलेंगे एक्वेटिक, मतलब ये दोनों एक्वेटिक में आएंगे, मराइन भी और जो पानी के ऊपर तैरेंगे वो भी, और टेरेस्ट्रियल का मतलब जो लैंड पर है। तो इंक्लूडिंग मराइन इन्वायरमेंट आर ग्लोबली रिकोगनाइज, तो ये इन्वायरमेंटल पे बहुत बुरा इफेक्ट डाल रहे हैं, ग्लोबली ये रिकोगनाइज किया गया है। देन ओरैकल जो कंपनी है, क्लाउड इंफ्रास्ट्रक्चर ऑर्गेनाइजेशन, इन्होंने OCI डेडिकेटेड रीजन लॉन्च किया है इंडिया में। तो ये जो ओरैकल है ये US बेस्ड टेक्नोलॉजी मेजर है, जिन्होंने ये ओरैकल क्लाउड सर्विस प्लेटफॉर्म लॉन्च किया है स्पेशली फॉर इंडियन मार्केट। तो इसमें ये क्लाउड सर्विसेज ऑफर करेंगे, पब्लिक क्लाउड सर्विसेज, वो भी प्राइवेट क्लाउड सर्विसेज नहीं, पब्लिक क्लाउड सर्विसेज। तो क्लाउड सर्विसेज का मतलब ये होता है कि अगर कोई डिजिटल प्लेटफॉर्म अवेल करा रहा है हमें, जैसे हमारे ATM होता है, तो ATM में कई सारे कंप्यूटराइज सिस्टम्स होते हैं, तो वो जो सिस्टम है वो बैंक तो प्रोवाइड कर रही है, लेकिन बैंक को कोई थर्ड पार्टी अवेल करा रही है, तो इसका मतलब होता है क्लाउड सर्विस। मतलब एक जो पर्टिकुलर सर्विस मैं आपके सामने लॉन्च कर रही हूँ, तो वो कोई थर्ड पार्टी मुझे प्रोवाइड करेगी और मेरी ऑर्गेनाइजेशन मार्केट में उसे लॉन्च करेगी, इसका मतलब होता है क्लाउड सर्विस। तो ये उनके प्रीमाइसेस में ये अवेल कराएंगे। तो और ओरेकल क्लाउड इंफ्रास्ट्रक्चर जो है ये कस्टमर्स को हेल्प करेंगे लैटेंसी प्रोवाइड करने में। लैटेंसी का मतलब होता है कि जो डेटा पॉकेट होता है, कंप्यूटर में आपने पढ़ा होगा डेटा पॉकेट्स, तो वो एक डेस्टिनेशन से, एक सोर्स से लेकर दूसरे डेस्टिनेशन तक पहुंचाने का काम, वो भी एक पर्टिकुलर टाइम फ्रेम में उसको पहुंचाना रहता है, इसीलिए उसे कहा गया लैटेंसी। देन डेटा रेसिडेंसी, डेटा रेसिडेंसी का मतलब है जो डेटा हम सेव करके रखते हैं एक पर्टिकुलर जगह पे, सेव करके रखना मतलब डेटा रेसिडेंसी। देन डाटा सोवरेंटी, डाटा सोवरेंटी का मतलब होता है कि किसी डेटा के ऊपर लॉज एंड रेगुलेशंस इम्प्लीमेंट किए जा रहे हैं। जैसे हम कई बार देखते हैं कि सोशल प्लेटफॉर्म पर ये डेटा यूज़ नहीं करना चाहिए, तो वो एक रूल्स एंड रेगुलेशंस होते हैं जिसे कहा गया है सोवरेंटी। तो ये कई सारे इश्यूज़ के ऊपर जो क्लाउड सर्विसेज है ये रेगुलेट करती है। तो ये जो मॉडर्नाइजेशन एफर्ट्स है, OCI डेडिकेटेड रीजन विल फैसिलिटेट टू कस्टमर्स, और आने वाले कुछ महीनों में ये 100 सर्विसेज विद इन देयर प्रीमाइसेस ये अवेल कराएंगे। देन हाई कार्बन एमिटर्स टू रिसीव इंसेंटिव्स टू रिड्यूस फुटप्रिंट, तो जो हाई कार्बन एमिट करने वाली जो इंडस्ट्रीज है, एमिट करना मतलब प्रोड्यूस करना, तो कई सारी इंडस्ट्रीज जो कार्बन प्रोड्यूस करते हैं इन्वायरमेंट में, इन्वायरमेंट उससे पोल्यूशन बढ़ता है उससे, तो उसको वो इंडस्ट्रीज़ को इंसेंटिव दिया जाएगा जब वो कार्बन कैप्चर फैसिलिटीज़ वहाँ पर लाएंगे, मतलब कार्बन ज़्यादा इमिट नहीं करेंगे, उनको उनके लिए ये इंसेंटिव पॉलिसी लाई है, तो उसे कहा गया प्रोडक्शन लिंक्ड इंसेंटिव प्रोग्राम। तो जैसे इंडस्ट्रीज़ में होता है कि जितना ज़्यादा प्रोडक्शन करोगे उसके ऊपर आपको इंसेंटिव प्रोवाइड किया जाएगा, वैसे ही कार्बन इमिशन के ऊपर भी उन्होंने PLI स्कीम लगाई दी है, मतलब जितना कम आप कार्बन प्रोड्यूस करोगे उतनी ज़्यादा प्रोडक्शन लिंक इंसेंटिव के अंडर इंसेंटिव उनको दिए जाएंगे। तो ये प्रोडक्शन लिंक इंसेंटिव स्कीम उनको प्रोवाइड की जाएगी टू रिड्यूस फुटप्रिंट। और कई बार इसमें एक रहता है हाई क्रेडिट या कार्बन क्रेडिट कहते हैं, कार्बन क्रेडिट का भी कई बार यूज़ किया गया है न्यूज़ में। तो कार्बन क्रेडिट का मतलब होता है जैसे यहाँ पर दिया हुआ है कार्बन क्रेडिट, तो कार्बन क्रेडिट का मतलब ये होता है कि एक पर्टिकुलर लिमिट सेट की जाती है, जैसे मेरी कोई इंडस्ट्री है तो मुझे गवर्नमेंट एक लिमिट सेट कर देंगे कि इस लिमिट के बाहर आपने कार्बन इमिट नहीं करना है, उसे कहा गया है कार्बन क्रेडिट। देन हम देखते हैं नेक्स्ट न्यूज़, इम्प्लीमेंटेशन ऑफ प्रोविजन फॉर इशूइंग क्रेडिट एंड डेबिट कार्ड्स हैज़ बीन एक्सटेंडेड। तो जो क्रेडिट और डेबिट कार्ड इशू करेंगे उसकी जो डेडलाइन है वो RBI ने एक्सटेंड की है। इशू कौन करता है क्रेडिट और डेबिट कार्ड्स? RBI अथोराइज करते हैं, तो उसकी डेडलाइन बढ़ा दी गई है फ्रॉम July 1 टू October 1। जुलाई थी पहले, अब कर दी गई है 1 अक्टूबर। तो ये मास्टर डायरेक्शन प्रोविजन्स है जो कि RBI इम्प्लीमेंट करेगा फ्रॉम
फ्रॉम अक्टूबर 1, 2022। तो ये जो डिसीजन है वो कंसिडरेशन में लिया गया है फ्रॉम वेरियस कमेंट्स फ्रॉम इंडस्ट्री स्टेक होल्डर्स। तो स्टेक होल्डर्स के रिक्वेस्ट के बाद ये इम्प्लीमेंटेशन किया गया। तो हमारे आरबीआई गवर्नर है मिस्टर शक्तिकांता दास, और आरबीआई जो हुई थी फाउंड वो हुई थी 1 अप्रैल 1935 में। तो इसका पहले हेडक्वार्टर था कोलकाता में, और 1937 में इसका हेडक्वार्टर आया हमारे मुंबई में। तो हम देखते हैं नेक्स्ट न्यूज़, प्राइस गारंटी इंश्योरेंस स्कीम फॉर चिली फार्मर्स। तो चिली फार्मर्स जो है इनका कई बार इन्वायरमेंटल इम्पैक्ट से क्रॉप लॉस हो जाता, क्रॉप डैमेज हो जाती है। तो इसके लिए ये प्राइस गारंटी इंश्योरेंस स्कीम इन्होंने लॉन्च की है। किसने? तो सिजिंटा इंडिया नाम की एक ऑर्गेनाइजेशन है, इन्होंने पार्टनरशिप की है एग्रीकल्चर इंश्योरेंस कंपनी ऑफ इंडिया दैट इज़ AIC के साथ। तो इन्होंने पार्टनरशिप में ये प्राइस गारंटी इंश्योरेंस स्कीम लॉन्च की है। तो इससे इनके जो फाइनेंशियल जो हज़ार होते हैं इन्हें, मतलब फाइनेंशियल गारंटी नहीं रहती थी, क्रॉप लॉस हो जाते थे, उनका लॉस होता था, तो इनका फाइनेंशियल लॉस नहीं होगा इस फाइनेंशियल गारंटी स्कीम से। तो ये एम्पावर करने के लिए, मार्जिनल फार्मर्स जो हैं उनको एम्पावर करने के लिए ये स्कीम लॉन्च की गई है। और इसके अलावा इन्वायरमेंटल हज़ार अगर नहीं भी होते हैं तो कई बार मार्केट में उन्हें अनफेवरेबल प्राइस दी जाती है। तो ये अन्याय उनके साथ ना हो, इससे बचने के लिए ये प्राइस गारंटी इंश्योरेंस स्कीम इन्होंने लॉन्च की है। देन ICICI बैंक ने रिसेंटली कैंपस पावर लॉन्च किया। कैंपस कहाँ पर होते हैं? हमारे कॉलेजेस में, राइट? बट इन्होंने ऐसा प्लेटफॉर्म निकाला है, कैंपस पावर का मतलब ये है कि जो एस्पायरेंट्स हैं हमारे यंग एस्पायरेंट्स, उनको फॉरेन कंट्रीज़ में भी कई सारी अपॉर्चुनिटीज़ देने के लिए ये ICICI बैंक कैंपस पावर प्लेटफॉर्म अवेल कराएगी। तो ये जो कैंपस पावर प्रोग्राम है ये सिर्फ खुद की बैंक के कस्टमर्स के लिए नहीं बल्कि बाकी बैंक कस्टमर्स के लिए भी ये लॉन्च किया गया है। तो इसमें पूरा एंटायर स्टूडेंट इकोसिस्टम इसमें इंक्लूड हो सकता है, पार्टिसिपेट कर सकता है, जैसे स्टूडेंट्स, पेरेंट्स एंड इंस्टीट्यूट्स भी इसमें पार्टिसिपेट कर सकते हैं। तो इसमें बैंकिंग के साथ साथ वैल्यू एडेड सॉल्यूशंस भी अवेल कराए जाएंगे, मतलब ये वन स्टॉप सॉल्यूशन प्रोवाइडर रहेगा कैंपस पावर। तो हम देखते हैं नेक्स्ट न्यूज़, केरला गवर्नमेंट ने मेडिसेफ स्कीम लॉन्च की है। और ये जो मेडिसेफ स्कीम है ये सिर्फ और सिर्फ स्टेट गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ के लिए लॉन्च की गई है। तो ये जो मेडिसेफ स्कीम है ये है मेडिकल इंश्योरेंस स्कीम। तो ये मेडिकल इंश्योरेंस स्कीम स्टेट गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ के लिए भी रहेंगी, इसके साथ साथ पेंशनर्स के लिए भी रहेंगी, या फैमिली पेंशनर्स के लिए भी रहेगी, मतलब अगर किसी की डेथ हो जाती है तो उनकी फैमिली को पेंशन दी जाती है, तो वो कहा गया है फैमिली पेंशनर्स, तो उनके लिए भी ये मेडिसेफ स्कीम है। तो इसके अलावा एलिजिबल फैमिली मेम्बर्स, एम्प्लॉय, पेंशन ऑफ यूनिवर्सिटीज़, मतलब ऐसी यूनिवर्सिटीज़ जिनको गवर्नमेंट की तरफ से या किसी गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन की तरफ से अगर ग्रांट दिया गया है तो ऐसे यूनिवर्सिटीज़ के जो एम्प्लॉयज़ हैं उनको भी स्टेट गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ कंसिडर किया गया, तो उनके लिए भी ये मेडिसेफ स्कीम है। तो इसके लिए ये स्कीम जब आएगी तब हमारी सैलरी में से, मतलब स्टेट गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ की सैलरी में से प्रीमियम जो है वो डिडक्ट कर दिया जाएगा, इसके साथ साथ जो पेंशन है वो भी डिडक्ट की जाएगी। तो ऐसी ये मेडिसेफ स्कीम है। और केरला के गवर्नर है अरिफ मोहम्मद खान, चीफ मिनिस्टर है पिनरई विजयन, और केरला की कैपिटल है तिरुवनंतपुरम। तो हम देखते हैं नेक्स्ट न्यूज़, मूविन फाइनेंस इंडस्ट्री जो है, जो कि NBFC है, मतलब नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनी, इन्होंने प्रीपेड पेमेंट इंस्ट्रूमेंट लाइसेंस इन्होंने लॉन्च किया है। तो RBI के अप्रूवल के बाद ही कोई स्कीम या कोई प्लेटफॉर्म कोई भी पर्टिकुलर बैंक लॉन्च करती है, मतलब उनको पहले RBI से अप्रूवल लेना पड़ता है। तो RBI ने ये अप्रूवल दिया है मूविन फाइनेंस को, किस लिए? तो सेमी क्लोज्ड प्रीपेड पेमेंट इंस्ट्रूमेंट्स लॉन्च करने के लिए। अब देखिए सेमी क्लोज्ड प्रीपेड इंस्ट्रूमेंट्स क्या होते हैं, तो
इन इंस्ट्रूमेंट्स में 10,000 तक की, सिर्फ और सिर्फ 10,000 तक की हम पेमेंट्स कर सकते हैं। जैसे हमें कोई बिल पेमेंट करना है या किसी भी सर्विसेज का पेमेंट करना है तो सिर्फ हम 10,000 तक पेमेंट कर सकते हैं। दैट इज़ कॉल्ड एज सेमी क्लोज्ड प्रीपेड पेमेंट इंस्ट्रूमेंट्स। मतलब हम बार बार ट्रांजैक्शन कर सकते हैं इसमें। तो इसमें डिजिटल बैंक्स, फिनटेक कंपनीज मतलब फाइनेंशियल टेक्नोलॉजीज कंपनीज, इसके अलावा मेजर कंज्यूमर फेसिंग एप्लीकेशंस भी इसमें इंट्रोड्यूस किए जाएंगे, मतलब इसमें ये फीचर्स इंक्लूड किए जाएंगे। तो ये म्यूफिन फाइनेंस जो है ये फोर्थ ऐसी NBFC है जिनको ये प्रीपेड पेमेंट इंस्ट्रूमेंट का लाइसेंस RBI ने प्रोवाइड किया है, मतलब इशू किया है। देन म्यूफिन फाइनेंस जो है इसका हेड क्वार्टर है न्यू दिल्ली में। सो बिफोर एंडिंग दिस सेशन आई वुड लाइक टू मेक एन अनाउंसमेंट हियर। वी आर गोइंग टू स्टार्ट MBACET लाइव ऑनलाइन टारगेट 2023 बैच विच इज़ यूजफुल फॉर कैट, जैट, IIFT, NMAT, SNAP, TIS, CMAT. सो विच इज़ गोइंग टू लॉन्च फ्रॉम कमिंग 17th of July 2022. सो दोज़ हु वॉन्ट टू जॉइन दिस कोर्स प्लीज़ गो थ्रू द लिंक विच इज़ गिवन इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स गिवन बिलो। So that's all for today. Thank you.